景了，你的老婆不行。लाया और आज हम समथिंग फॉर ह्यूमैनिटी के साथ मिलकर एक डॉग को रेस्क्यू कर रहे हैं जो कि ऑलमोस्ट 6 डेज से एक हेड पे उसकी बहुत सीवियर इंजरी हुई है जिसकी वजह से वो जगह जगह भटक रहा है और कोई हेल्प नहीं मिल रही है और हम कुछ लोग हैं जो मिलके उसे रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं और आज हम संडे 11 AM सुबह सब सक्सेसफुल हुए हैं और अभी जो नरेंद्र भाई हैं वो उसका ऑपरेट कर रहे हैं ताकि वो ठीक हो जाए। पर इस सब में हमें अब ये रियलाइज़ हुआ है कि ये इशू बहुत बड़ा है, ये सिर्फ एक कुत्ता है, ऐसे बहुत सारे जानवर हैं, कैट्स हैं, डॉग्स हैं, कैटल्स हैं कठुआ में पूरे ऑल ओवर जिनकी हालत बहुत ख़राब है। आप दूर से घर से बैठ के देखेंगे तो आपको लगेगा ठीक है, इट्स ओके, हो रहा है, चल रहा है, लेकिन जब आप इन सब चीज़ों में पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि सिचुएशन इतनी वर्स है, इतनी ख़राब है और एनिमल इतना सफ़र कर रहे हैं और क्योंकि वो कुछ बोल नहीं सकते, मूक जानवर हैं, तो ये और पेनफुल सिचुएशन हो जाती है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी और कठुआ के सारे लोगों से भी जो आम जनता है जिनके अंदर एक भावना है कि लोग कि सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं या जिनको पेन समझ आता है इन जानवरों का या कोई भी है, मैं आप सबको इनकरेज करना चाहती हूँ कि आप लोग आगे आएँ और इस सब में हेल्प करें। और हम अक्सर कुत्तों को बाकी जानवरों को देखते हैं कि सोसाइटी के लिए न्यूसेंस है, सोसाइटी हम ख़राब करते हैं, हमारी गलियों में ख़राब कर रहे हैं, लेकिन आप हम सोचिए कि कहीं ना कहीं इंसान रिस्पॉन्सिबल है कि वो आज गली में भटक रहे हैं, उनकी कंडीशन ऐसी है, तो अब हमने को एग्जिस्ट करके रहना है इस सोसाइटी में। तो मैं लोगों को और एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहना चाहूँगी कि कुत्तों पे मारने से, उन पे पानी गर्म फेंकने से, कुछ लोग एसिड फेंकते हैं, कुछ लोग डंडे से मारते हैं, ये सब करने से आप अपनी इंसानियत रखें और आपसे जितना हो सकता है उनकी जान बचाने के लिए या फिर कंट्रीब्यूट करें ताकि जो आज जो 4 लड़के हैं ना इधर, 4 लड़के लड़कियाँ सब हैं जो, कल वो ज़्यादा लोग हों, ज़्यादा नंबर हो लोगों का, वो इनक्रेज हों गवर्नमेंट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उनको अगर कोई इंसेंटिव होगा, उनको कोई इनक्रेजमेंट होगी तो वो आगे आएंगे, तो ऐसे अच्छा काम होगा सोसाइटी में और ऐसे जो बेजुबान जानवर हैं उनकी जान बच सकेगी। तो जब आप इस तरह से काम करते हो, कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स हैं, क्या उनसे कोई मदद ली जाती है, क्या मदद मिलती है इस तरह, क्या वो आगे आते हैं इस तरह से? नहीं, आगे कोई भी नहीं आता है, ये सिर्फ बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, वही
टू एंड फ्रो, हम जाते हैं, वो साइकिल चलता रहता है, इस विशेष साइकिल ये चलता रहता है, लोग जाते हैं, सुनवाई नहीं होती, सब इसको बहुत लाइटली लेते हैं। और बहुत सारे एनिमल्स, दिस ये एक वन केस है, लेकिन ऐसे बहुत सारे एनिमल सफ़र कर रहे हैं। रात को आप देखेंगे ना, लोगों को सिर्फ न्यूसेंस लगती है कि सड़क में आ गए हैं जानवर, कूड़ा बिखरा रहे हैं, पर उनको ये चीज़ नहीं समझ आती इस समय बिगर पिक्चर कि वो सफ़र कर रहे हैं। खाना, अगर एक कुत्ते को पूरे दिन में 24 आवर्स में एक भी दिन का खाना मिलना एक स्ट्रगल है, तो सोचो वो अग्रेसिव नहीं होगा, सोचो वो चिड़चिड़ा नहीं होगा, वो कूड़े में नहीं ढूंढेगा। मतलब आप वैसे देखें ना उस पहलू में, पर एडमिनिस्ट्रेशन है किसी की तरफ से उतना कोई वो नहीं है, प्लस लोगों की भी कोऑपरेशन नहीं है। अगर आप कुछ अच्छा करना चाहेंगे तो आपके मोहल्ले के चार लोग ही आपको 100 बातें सुनाएंगे, आपको डिस्करेज करेंगे, सब लड़ने के लिए आ जाएंगे। पर हमने ऐसा रखा है अपना कि चाहे हमें जितनी भी डिमोरलाइज करते हैं लोग, जितना भी गलत कहते हैं, हम करते हैं इसके बारे में, लड़ते हैं, यही संघर्ष है। तो जो युवा पीढ़ी इस वक्त नशे की तरफ जा रही है, इस तरह के कामों में नहीं है और ना अपना घर परिवार चला रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? उनके लिए मैसेज मेरा यही रहेगा कि आप खुद सोचिए कि हमारे पास सिर्फ एक लाइफ है, एक लाइफ है, उसको आप ऐसे ख़त्म कर दें या फिर उसको किसी चीज़ में डिवोट कर दें जिसके लिए आपको एट द एंड ऑफ द डे, जब आप अपनी ज़िंदगी के आखिर में पहुँचेंगे, आपको प्राउड होगा कि आपने सोसाइटी के लिए कुछ किया है।